आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। देखिए, आज मैं अपना अनुभव शेयर करने वाला हूँ कि जो मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है पूरा कर लिया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 2023 में। इसी साल अभी कुछ दिन पहले ही मेरा भी रिजल्ट आया था ग्रेजुएशन का, तो मैं आपके साथ अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो आज की वीडियो है ये स्टार्ट होती है 2020 से। देखिए, 2020 में मैंने अपना क्लास 12th पास किया और मैं क्लास 12th तक भी ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से था, क्योंकि क्लास 10th में मेरा जो हाईएस्ट मार्क्स था वो था सोशल स्टडीज में। तो मैंने रियलाइज कर लिया था कि मेरा अगर जो फ्यूचर बन सकता है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन्हीं सब्जेक्ट्स में बन सकता है। सो मैंने, मेरा ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम था क्लास 12th तक, तो मैंने आगे भी बीए ही किया। मैंने यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में एंट्रेंस टेस्ट दिया, तब ये 300 मार्क्स से होता था और यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करती थी, तब ये सीयूईटी के अंडर नहीं था। तो 2020 में मैंने बीए कोर्स के अंदर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेन कैंपस में एडमिशन लिया। मेरे भी टाइम में जो काउंसलिंग थी वो ऑनलाइन हुई थी और हमको हमारे जो कॉम्बिनेशन थे सब्जेक्ट के वो उसमें जो प्रेफरेंस फिल करना था, तो मेरे मार्क्स अच्छे थे तो मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल गया। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था कॉर्ड नंबर 168, एंशियंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। तो मैंने इसमें अपना एडमिशन ले लिया, पर हमारी क्लासेस जो है वो स्टार्ट ही नहीं हुई ड्यू टू कोरोना वायरस। तो 2020 से 2021 के सेशन में बीए फर्स्ट ईयर में मेरी क्लासेस नहीं चली और ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, और अगर मैं बताऊं उनकी टाइमिंग्स तो वो लगभग शाम के 4:30 बजे तक 5 बजे तक क्लासेस खत्म होती थी और वो हाफ डे के बाद ही क्लासेस शुरू होती थी। और अभी भी जो टाइमिंग है क्लास की वो लगभग सेम है। आज भी जो बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं उनका जो क्लासेस है वो थोड़ा सा हाफ डे के बाद से स्टार्ट होता है, तो आपका भी जो क्लास होगा वो लगभग 4:30 तक खत्म होगा या फिर 5 तक अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में। सो कहने का मतलब ये है कि जो मेरा फर्स्ट ईयर था वो पूरा का पूरा घर में रहकर गुजर गया, और उस वक्त हमको उसके नए एग्जाम हुए थे तो हमें कोई भी परसेंटेज नहीं दिया गया, हमें दिया गया सिर्फ प्रोविजनल डिग्री, यानी कि बस एक पासिंग सर्टिफिकेट कि अगर आपको कहीं और दिखाना है, जैसे कुछ बच्चों को लेना था स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप वगैरह में वो मांगते हैं कि आप अपना रिजल्ट दिखाइए, आपने फर्स्ट ईयर पास कर लिया है, आपका कुछ में आप पास हुए हैं कि नहीं, तो उसमें सब बच्चों को पासिंग सर्टिफिकेट दे दिया गया और जो रिजल्ट था वो किसी को कोई परसेंटेज नहीं दिया गया, और ये डिसाइड हुआ कि जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम्स होंगे उसके बेसिस पे यहाँ पर मार्क्स दिया जाएगा। सो अब आ गई बात सेकेंड ईयर की, यानी कि 2021 और 22 के सेशन की। सो इस सेशन में क्या हुआ, इस सेशन में भी जो कोरोना वायरस था काफ़ी ज़्यादा फैल रहा था और हमारी क्लासेस जो हैं वो लगभग ईयर के एंड में क्लासेस स्टार्ट हुई, यानी कि लगभग एक महीना मैंने सेकेंड ईयर में क्लासेस अटेंड की हैं, और उसके बेसिस अगर मैं आपको बताऊँ तो जो क्लासेस थी वो ऑलमोस्ट रेगुलर चलती थी, क्योंकि जो काफ़ी टीचर्स थे वो क्लासेस ऑलमोस्ट रेगुलर लेते थे। मेरे सब्जेक्ट्स थे एंशियंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, तो इनकी टाइमिंग्स आपस में मैच नहीं करती थी, और आपके भी जो सब्जेक्ट्स होंगे तीनों उनकी टाइमिंग्स बहुत ही रेयर है कि तीनों टाइमिंग मैच करे। सो कई जो आपकी क्लासेज हैं वो दिन में होंगी और कुछ आफ्टरनून में, सो ये बहुत रेयर है कि आपके तीनों के जो क्लासेस होंगे उनकी टाइमिंग्स मैच करें। कई क्लासेस दिन में होंगी और कुछ क्लासेस आफ्टरनून या उसके बाद। सो मेरी जो क्लासेस थी अगर बात करूँ एंशियंट हिस्ट्री की तो मॉर्निंग में होती थी, लगभग 8:30 या 9 से स्टार्ट होती थी, और बाकी जो क्लासेस थी ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की वो लगभग 2:30 से 4:30 तक चलती थी। सो मेरे जो क्लासेस थी तीनों उनमें काफ़ी गैप था, जिसकी वजह से मुझे मेरे घर से सुबह आना था और जाना था, मतलब मैं सुबह आता था, मैं घर से निकलता था 8 बजे, क्योंकि मेरा घर है प्रयागराज में ही है, तो मुझे जाने में बाइक से लगता था 1/2 घंटा। सो अगर मैं बात करूँ तो सुबह क्लासेस, उसके बाद लगभग गैप था 3 घंटे का, तो उसके बाद ज्योग्राफी के पॉलिटिकल साइंस के लगातार क्लासेस चलती थी। सो कहने का मतलब ये है कि आपके भी गैप्स हो सकते हैं, पर फिर भी आप उन गैप्स को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, आप कैंपस में घूम सकते हैं, आप दोस्तों के साथ रह सकते हैं, और साथ ही साथ आप यहाँ की लाइब्रेरी का फ़ायदा उठा सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं और आप वहाँ पर बैठ के पढ़ सकते हैं इवन 9 बजे तक। सो अगर आपको यहाँ पर देखिए आपके क्लासेस के बीच गैप तो रहेगा, पर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इवन आप उस टाइम को भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं, देखिए क्लासेस जो हैं, देखिए हमारे एक सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में होते हैं 2 पेपर्स, और जो होता है प्रैक्टिकल उसमें होते हैं 3 पेपर्स। सो आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपके एक सब्जेक्ट के 2 पेपर्स होंगे, यानी कि एक सब्जेक्ट 2 पेपर्स, और आपके जो एक पेपर की क्लास है वो एक दिन चलेगी और दूसरे की दूसरे दिन चलेगी। सो ऐसा ही होता था, मतलब ज्योग्राफी में एक पेपर की क्लास आज और पॉलिटिकल साइंस में एक पेपर की क्लास आज, और अगले दिन जैसे मान लीजिए मंडे को फर्स्ट पेपर दोनों में और ट्यूसडे को सेकंड पेपर दोनों में। सो ऐसे जो है वो क्लासेस चलती थी। सो जो मेन मुद्दा है वो ये है कि क्या मेरे एग्जाम्स हुए थे सेकंड ईयर में, मेरे एग्जाम सेकंड ईयर में भी नहीं हुए थे। यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन एग्जाम्स की डेट निकाली थी, बट फिर भी बच्चों ने उसका भारी विरोध किया और लास्ट में वो जो ऑनलाइन एग्जाम था वो भी कैंसिल हो गया और हमें सेकंड ईयर में भी पास कर दिया गया। पास नहीं कहेंगे, प्रमोट कहेंगे।
हमें सेकेंड ईयर में ही प्रमोट कर दिया गया और हमें कोई भी मार्क्स नहीं मिला और फिर से हमें मिल गया एक पासिंग सर्टिफिकेट, जिससे कि हमारा फर्स्ट ईयर हो गया है, हमारा सेकेंड ईयर हो गया है, अब हमारा एग्जाम होगा थर्ड ईयर में और हमें उसी के बेसिस पे मार्क्स दिए जाएंगे। सो कहने का मतलब ये है कि मैंने दो साल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर बिना एग्जाम्स दिए पास कर लिए, और जिसमें से मैंने फर्स्ट ईयर में कोई क्लास अटेंड नहीं की और मेरे सेकेंड ईयर में भी जो मेरी क्लास चली थी वो लगभग एक महीने चली थी और वो भी ईयर के एंड में। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थर्ड ईयर। देखिए थर्ड ईयर में मेरी क्लासेस थी वो ऑलमोस्ट पूरे साल चली थी और वो रेगुलर थी। जो मेरी क्लासेस थी वो लगभग मुझे याद है कि वो चली थी, स्टार्ट हुई थी अगस्त के आसपास से, 8 अगस्त के आसपास से मेरी थर्ड ईयर जो क्लास है वो स्टार्ट हुई थी। देखिए डेट आई थी, क्लास स्टार्ट होने में और टाइम लग गया था। मेनली मुझे याद है ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस की उसके पहले स्टार्ट हो गई थी। देखिए होता क्या है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कि आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बाद आप थर्ड ईयर में अपना एक सब्जेक्ट ड्रॉप करते हैं, चाहे आप किसी भी कोर्स के हों, बीए बीएससी, और जो आपको एडमिशन के टाइम पे मिले होते हैं 3 सब्जेक्ट, और उन तीनों ही सब्जेक्ट्स को आप पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी। मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आप पढ़ते हैं तीनों सब्जेक्ट, पर थर्ड ईयर में आप इन तीनों में से कोई भी एक ड्रॉप कर सकते हैं आपकी चॉइस का, और नो मैटर आपके उसमें मार्क्स कम आते हैं ज्यादा आते हैं, आप अपनी चॉइस से एक ड्रॉप कर सकते हैं। सो मैंने ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, एंशियंट हिस्ट्री में से और मैंने ड्रॉप कर दिया एंशियंट हिस्ट्री को, क्योंकि थोड़ा सा आप समझ सकते हैं एंशियंट हिस्ट्री उसके जो काफी रिसोर्सेज थे काफी कम अवेलेबल थे और इवन मुझे लगा वो ज्यादा काम भी नहीं आएगा मेरी। सो मैंने ड्रॉप कर दिया एंशियंट हिस्ट्री को और मैं आगे बढ़ा पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी से। सो पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी अगर मैं बात करूँ इन सब्जेक्ट्स की, तो थर्ड ईयर में ज्योग्राफी के होते हैं 4 पेपर, 3 थ्योरी के, 1 प्रैक्टिकल, और पॉलिटिकल साइंस के होते हैं 3 पेपर। अगर मैं आपको पेपर का नाम बताऊं तो पहला होता है इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस, दूसरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और थर्ड है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। सो ये 3 पेपर्स थे हमारे थर्ड ईयर में। और देखिए थर्ड ईयर में आपके हफ्ते में लगभग चलते हैं 4 दिन क्लासेस चलती हैं, और अगर आपका मेरी तरह प्रैक्टिकल होगा जैसे मेरा ज्योग्राफी था तो उसमें क्लासेस चलती हैं फ्राइडे को भी। सो यानी कि अगर आपका प्रैक्टिकल रहेगा तो आपको आना पड़ेगा 5 दिन, और वैसे अगर आप 4 दिन आएंगे तो काम हो जाएगा, बाकी सैटरडे संडे ऑफ रहता है। आई होप आप जानते होंगे अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो। मतलब यहाँ पर आपके थर्ड ईयर में आपके एक सब्जेक्ट के 2 पेपर्स की क्लास एक दिन हो सकती है। सो ये रही बात क्लासेस की, और यहाँ की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, लाइब्रेरी बहुत यूज में आती है। इवन आप अपना सिलेबस जाकर वहाँ पर कवर कर सकते हैं, आप गूगल पे कुछ सर्च करके वहाँ बैठ कर पढ़ सकते हैं। और देखिए आपको बुक्स वहाँ पर लेना अंदर अलाउड नहीं है, बट फिर भी जहाँ पर बुक्स अवेलेबल हैं वो सफिशियंट हैं, और हो सकता है कि आपको कई सारी बुक्स ना मिले, कोई बात नहीं, जो मिलती है उसी को यूज़ करिए। और देखिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इस बार मेरे एग्जाम हुए, यानी कि थर्ड ईयर में मेरे एग्जाम्स थे वो कंडक्ट कराए गए। और अगर मैं आपको बताऊँ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ की, तो यहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती, होती हैं पर वो सबके काम की नहीं होती, जो उसमें इंडल्ज होना चाहे उन्हीं के लिए होती है। जैसे कि साल के अंत में यहाँ पर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के लिए ट्रायल्स थे, तो मैंने ट्रायल दिया था एथलेटिक्स का। मैं फेल ही हुआ, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम मैं कहीं पर अपने स्कूल में दौड़ा था तो वो था मेरा क्लास 12th। उसके बाद आप सोच सकते हैं कि लगभग 3 साल गया, 2 साल कोरोना में निकल गए, सो आई फेल देयर। सो पर कोई बात नहीं, मैं भी बस ऐसे ही गया था ट्रायल देने। सो अब मेन बात क्या है, मेन ये है कि मेरे एग्जाम्स हुए कि नहीं थर्ड ईयर में। तो जी हाँ, मेरे थर्ड ईयर में ऑफलाइन एग्जाम्स हुए, और ये बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एग्जाम नहीं हुए, और अगर थर्ड ईयर ऑनलाइन होता तो वो थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट ना होता, पर फिर भी थर्ड ईयर में हमारे ऑफलाइन एग्जाम हुए और उसी के बेसिस पे हमारे तीनों साल, 2 और साल का मार्क्स दिया गया। यानी कि एग्जाम्स हुए थर्ड ईयर में और उसी के बेसिस पे फर्स्ट ईयर के मार्क्स और सेकंड ईयर के मार्क्स दिए गए। सो मेरा अगर बताऊँ आपको मेरा ओवरऑल परसेंट, तो मेरा बीए में जो बना ओवरऑल परसेंट वो है 83.11। सो मैंने अपना जो बीए है वो कंप्लीट कर लिया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 2023 में ही, मतलब इसी साल। कुछ बातें जो मैं भूल के बताने के लिए इस वीडियो में जो आपके काम आएंगी वो ये कि देखिए यहाँ पर आपके सेक्शंस डिवाइड हैं आपके मीडियम वाइज। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो होंगे आपके ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको मिलेगा सेक्शन जेड। तो यहाँ पर जो सेक्शन जेड है वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों का है, और वहाँ पर जो टीचर्स आते हैं वो ऑलमोस्ट इंग्लिश में बोलते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं जो मिक्स बोलते हैं, बट फिर भी ऐसा नहीं कि उनको इंग्लिश नहीं आती, दे आर वेल वर्स्ड इन इंग्लिश। तो अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आप जरूर से अपना इंग्लिश मीडियम लिखाइएगा, जिससे कि आपको इंग्लिश मीडियम के टीचर्स पढ़ाएं। और अगर आपका हिंदी मीडियम है तो यहाँ पर हिंदी मीडियम के कई सारे सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। और अगर आप देखेंगे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं वो है हिंदी मीडियम के, और जिसकी वजह से यहाँ पर हिंदी के बनते हैं कई सारे सेक्शंस और इंग्लिश के मोस्टली एक सेक्शन जेड। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है जो मेरा ये एक्सपीरियंस है आपके कुछ काम आएगा, अगर आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी। सो बने रहे इस चैनल पे, आपके और सारी अपडेट्स समय से मिलती रहेंगी, चाहे वो कट ऑफ की हो, काउंसलिंग की हो, बहुत जल्द अभी कट ऑफ आने वाली है। सो अभी आप घर बनाए रखिए, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।